नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो थ्योरम करने जा रही हूँ वो सीक्वेंसेस टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम। बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम सीक्वेंसेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है और इसका रिजल्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब जिस पे लिखा हुआ है उसको आप प्रेस करें, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्यूचर में इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले ये थ्योरम कहती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का क्लस्टर पॉइंट होता है। यहां पर हर एक के लिए आपको प्रूफ करना है तो एक आर्बिट्री सीक्वेंस लेंगे। लेट सीक्वेंस ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमारे पास यहां पर जो सीक्वेंस ए एन है वो हमने एक बाउंडेड सीक्वेंस ली है। हम सेट कंसिडर कर रहे हैं एस, जिसमें हम सभी के सभी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ले रहे हैं। Let S is equal to A n such that n belongs to n. अब हमारे पास में हमने सीक्वेंस A n को बाउंडेड कंसिडर करा है, तो हमारे पास में ये जो सेट आ गई S, ये भी बाउंडेड आ गई है। Since the sequence A n is bounded, therefore S is a bounded set. अगर हमारे पास में सीक्वेंस एन जो है, जो कि हमने बाउंडेड ही कंसिडर करी है यहां पर, तो हमारे पास में ये जो सेट आ गई है ये बाउंडेड सेट आ गई है। अब हम यहां पर दो केसेस ले रहे हैं, एस इज इनफाइनाइट एंड एस इज फाइनाइट। फर्स्ट केस हम लेते हैं एस इज इनफाइनाइट। अगर हमारे पास में s जो है वो इनफाइनाइट हो गई है, देन बाय बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम s हैज अ लिमिट पॉइंट। Therefore, बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम जो स्टेट करती है वो कहती है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो यहां पर S जो है वो इनफाइनाइट अगर हम कंसिडर करते हैं तो S का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देती हूं उसकी स्टेटमेंट, बाय बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम every infinite bounded set has a limit point. तो S के अंदर उसका limit point रहेगा, यानी कि therefore every, चलो इसका नेबरहुड होगा, सॉरी इसका लिमिट पॉइंट रहेगा से पी। सपोज इसका जो लिमिट पॉइंट है वो है पी, इसका मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस।
एस कौन सी सेट है, एस जो है उसके अंदर हमारे पास में सीक्वेंस ए एन के एलिमेंट्स ही तो है, क्योंकि वो ए एन के एलिमेंट्स की ही सेट है. देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन. देयरफॉर पी इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन. तो हमने ये यहां पर प्रूफ कर दिया है कि अगर एस जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है तो हमारे पास में ये जो लिमिट पॉइंट आ रहा है ये इसका क्लस्टर पॉइंट हो जाता है. यानी इनफाइनाइट के केस में इस सीक्वेंस को क्लस्टर पॉइंट मिल रहा है. अब हम लेते हैं इफ एस इज फाइनाइट. अगर हमारे पास में एस जो है वो फाइनाइट होगा तो बहुत सारी वैल्यूज रिपीट होंगी सीक्वेंस ए एन के अंदर. हम यहां पर लिख सकते हैं देन फॉर इनफाइनाइटली मेनी इंडिसेस ए एन इज इक्वल टू क्यू, और क्यू कोई भी हमारा रियल नंबर हो सकता है. अब यहां पर क्या होगा, क्यू के अराउंड हम कोई भी इंटरवल लेंगे तो उसमें क्यू तो आएगा ही, और क्यू यहां पर बार बार सीक्वेंस के अंदर रिपीट हो रहा है तो वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है. देयरफॉर क्यू इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन. तो हमें दोनों केसेस में यहां पर क्लस्टर पॉइंट्स मिल रहे हैं. देयरफॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट. यहां पर हमने प्रूफ करा है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का क्लस्टर पॉइंट होगा. अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी क्लस्टर पॉइंट्स हो सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट में हम कोरोलरीज प्रूफ करते हैं, ऐसे कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करते हैं जो कि इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है. हम सबसे पहले फर्स्ट कोरोलरी लेते हैं अपनी. लेट एफ बी अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट of real numbers every sequence in F has a cluster point in F. हमें प्रूफ करना है अगर हमारे पास में F जो है वो कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है रियल नंबर्स की, तो हर एक सीक्वेंस जो है F का उसका जो क्लस्टर पॉइंट होगा वो F के अंदर ही होगा. तो चलिए रिजल्ट स्टार्ट करते हैं. लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस इन F. हमने ए एन कोई भी एक ऐसे ही आर्बिट्री सीक्वेंस ले ली है जो कि एफ के अंदर है. नाउ एफ इज बाउंडेड. अगर एफ जो है बाउंडेड होगा तो इसका हर एक सबसेट, सॉरी इसका हर एक सबसेट भी बाउंडेड होगा. सीक्वेंस ए एन क्या है, इसका सबसेट ही है. देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड. और अभी हमने ऊपर थ्योरम में करा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट. देयरफॉर बाय अबव थ्योरम जो कि बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम है, सीक्वेंस ए एन
has a cluster point. यानी कि सीक्वेंस एन का क्लस्टर पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमें यह प्रूफ करना है कि वो एफ के अंदर ही है. अब सपोज ये क्लस्टर पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी. सपोज पी बिलोंग्स टू आर माइनस एफ, देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स infinitely many terms of R minus F and it contains only finite number of terms of F. अगर हर एक जो नेबरहुड है उसका वो खाली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है एफ की उसको कंटेन करता है, इसका मतलब इट कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एन. सीक्वेंस एन की भी खाली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करता है, जो कि ये कॉन्ट्रोडिक्शन हो गई है, क्योंकि P जो है वो उसका लिमिट पॉइंट है, सॉरी क्लस्टर पॉइंट है सीक्वेंस An का, तो वो उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करेगा. अ कॉन्ट्रोडिक्शन हो गई है, देयरफॉर P कैन नॉट बिलोंग्स टू R माइनस F, P बिलोंग्स टू F. और P एक आर्बिट्री पॉइंट था, सीक्वेंस An भी जो थी वो आर्बिट्री थी. रिजल्ट ट्रू हो रहा है हर एक सीक्वेंस एन के लिए, देयरफॉर रिजल्ट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल सीक्वेंस एन. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज अ क्लस्टर पॉइंट इन इट. सेकेंड कोरोलरी लेते हैं, कोरोलरी नंबर टू. Let I be a closed interval. Every sequence in I has a cluster point in I. हमारे पास में आई कोई भी क्लोज्ड इंटरवल है, हमें प्रूफ करना है कि आई की हर एक सीक्वेंस जो है उसका क्लस्टर पॉइंट आई के अंदर ही है. तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास में हर एक जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होता है. एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ closed and bounded set. तो हर एक इंटरवल जो है वो हर एक क्लोज इंटरवल जो है वो क्लोज या बाउंडेड सेट होता है. Therefore, by above corollary, result holds. क्योंकि ऊपर की corollary में हमने corollary number वन में proof करा है कि हर एक क्लोज्ड और बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसकी हर एक सीक्वेंस का जो क्लस्टर पॉइंट होता है वो उस सेट के अंदर होता है. देयरफॉर बाय अबव थ्योरम रिजल्ट होल्ड्स ट्रू. देयरफॉर एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन
every closed interval I contains any sequence has a cluster point in it. इसका मतलब कि अगर कोई भी आई जो है वो क्लोज इंटरवल है तो हर एक क्लोज इंटरवल की कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उसका जो क्लस्टर पॉइंट आएगा वो उस क्लोज इंटरवल के अंदर ही होगा. तो ये एक बहुत ही आसान सा रिजल्ट था. एक्चुअली बोल्ज़ानो-वेस्टास थ्योरम भी बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें. अगर आप रियल एनालिसिस के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं हिंदी में इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है. मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.